Salut votre contact. Merci pour le dossier. On ressort qui pourrait s'en aller. Allez, ça va faire un. Mais je suis aussi, on a lié. परम सौभाग्य की बात हिंदू में लोकनाथ गोस्वामी महाराज है हमारे साथ तो आप सभी तैयार हैं कीर्तन और नृत्य के लिए ज्यादा जोर से आवाज नहीं है थैंक यू वेरी मच तो ज्यादा समय न लेते हुए हम इस दौर में लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज से निवेदन करेंगे कि वो नरसिंह कथा कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन राधे जय जय माधव दईते राधे जय जय माधव दईते गोकुल तरुणी मंडल महित गोकुल गोकुल तरुणी मंडल महित राधे जय जय राधे जय जय माधव दईते दामोदर रति वर्धन बेसे दामोदर वर्धन दामोदर रति वर्धन बेसे हरि निष्कुट वृंदाविपिने से हरि निष्कुट वृंदाविपिने से राधे जय जय राधे जय जय माधव दईते वृषभानु दधि नम शशि लेखे वृषभानु दधि नम शशि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे राधे जय जय राधे जय जय माधव दईते करुणां कुरुमयी करुणा भरीते
करुणाम कुरुमाई करुणा भरी दे सनकसनातन वर्णित चरिते सनकसनातन वर्णित चरिते राधे जय जय राधे जय जय माधव धोई दे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे गाइए हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितानेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्ण करुणा
करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते नरसिंहाय भगवते नरसिंहाय ओम नमो भगवते नरसिंहाय ओम नमो भगवते नरसिंहाय नरसिंहाय सिंह चतुर्दशी महोत्सव की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि आप सभी भक्तों का पुनः पुनः स्वागत है। ये जो नए आए हैं उनका पहली बार स्वागत है। या हम थोड़े व्यस्त हैं। नरसिंह चतुर्दशी महोत्सव के इस उत्सव में अच्छा हुआ कि आप यहाँ आए और या केवल शोभा ही नहीं बढ़ाओगे और भी कुछ बहुत कुछ करोगे। इस उत्साह में सम्मिलित हो जाओगे, योगदान दोगे, तो योगदान तो दे ही रहे हो या उपस्थित रह कर। वह मैं सोच रहा था, मैं सोचूं या नहीं सोचूं कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन कि कैसे हम लोग भूल जाते हैं भगवान को। किंतु भगवान हमको नहीं भूलते। हरि हरि हरे कृष्ण। हरि
Yeah, Bhaktivinoda Thakur. Muse, jeev jago, gora chanda bole, kota nidra jao maya, pishachira kole, jo geet likhe hain, usme bhi ve likhte hain. Bhajiva boliya aise, संसार भीतरे भूलिया रहिलो तुमी अविद्यार भरे. तो भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, संसार का ऐसा हाल है, बहुत बुरा हाल है. और वे कहते हैं कि जीव जब माँ के गर्भ में होता है, मनुष्य योनि में, तो जब यातना को भोगना ही पड़ता है गर्भ में, तो उसको उस समय नानी याद आती है. उसको भगवान याद आते हैं और वो कहता है कि बस प्रभु, बस एक बार, इस बार मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो. तो जैसे ही मैं जन्म लूँगा तो क्या करूँगा, भजीबो भजीबो भजीबो, मैं भजूँगा, भजीबो बलिया बलिया, ऐसा बोलकर इस संसार में व्यक्ति आ तो जाता है, किंतु भूलिया रही ले तुम ही अविद्या भरे, और फिर यहाँ फिर अविद्या से भर जाता है. अरे अरे, माया घेर लेती है, मामी माया शुरू हो गई, मामी अपनी ममता, अहम और मामा. किंतु उसी गीत में जीव जागो गीत, ये सब नहीं सुनाना था आपको. तुम्हारे लईते आमी हईनु अवतार. तो हे जीव, तुम्हारे लिए मैं अवतार लेता हूं. आमी बिना बंधु के आछे तुमार, और मेरे बिना और तुम्हारा बंधु है भी तो कौन. कोई है? अभी तो मुंडी नहीं हिला रहे हो या नहीं, या शायद समझ में आ रहा है. यस, और कोई बंधु नहीं और कोई आश्रय नहीं है. इने जी औषधि माया, तो इसीलिए फिर बारंबार भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं. नरसिंहदेव भगवान के, फिर नरसिंह है, कई सारे अवतार है, तो 10 अवतार भी है, और फिर 24 अवतारों की भी एक सूची है. और संभवामी युगे युगे, हर युग में भगवान अवतार लेते हैं. और यहाँ के बद्ध जीवों के बंधु बन जाते हैं. वेल,
अलग से या पहली बार बंधु बनने की बात तो नहीं है। भगवान तो सभी जीवों के सदा के लिए बंधु है। सुरिदम सर्वभूतानां यज्ञात्वा शांतिर्मृच्छति। कृष्णा कहे भगवद गीता में जिस वचन को श्रील प्रभुपाद कहा करते, दिस अ पीस फॉर्मूला, ये शांति सूत्र है, आई थिंक 9th chapter लास्ट वर्स, थिंक सो राइट, भोक्तारम यज्ञ तपसा 1 सब भगवान भोक्ता है। एक बात, सर्वलोक महेश्वरम, सारे संसार के स्वामी भगवान है। दूसरी बात, सुरिदम सर्वभूतानां, सभी जीवों के सुरित फ्रेंड, मित्र भगवान है। यज्ञात्वा, यज्ञात्वा, इस बात को जानकर या जो जानेगा शांतिर्मृच्छति, वो शांति को प्राप्त करेगा। एनीवन इंटरेस्टेड इन शांति, शांति किसी को प्रिय है, शांति चाहिए? अच्छा, आई एम सरप्राइज्ड, उज्जैन में किसी को शांति नहीं चाहिए। तो हुआ तो भगवान हमारे मित्र है, और भगवान ही हमारे मित्र हैं। सुरेंद्र सिंह भगवान हमारे मित्र है। हाउ डज दैट साउंड, भगवान और हमारे मित्र। ये उनकी इनकी महानता ही है, कहो वे इतने महान है, और ऐसा होते हुए भी हम क्षुद्र जीवों के वो मित्र बनने के लिए तैयार है, या मित्र है ही। हे कृष्णा करुणा सिंधु, और साथ ही साथ हम क्या कहते हैं, दीन बंधु। तो कृष्ण केवल करुणा सिंधु ही होते, किंतु दीन बंधु नहीं होते तो क्या फायदा उस करुणा सिंधुत्व का? अपने स्थान पर वे होंगे करुणा सिंधु, करुणा के सिंधु, करुणा के सागर, लेकिन उस करुणा के सागर का फायदा लाभ हमको तब होता है जब कृष्णा क्या होते हैं, दीन बंधु, दीनों के बंधु, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। लेकिन जब रथ यात्रा होती है तो फिर उल्टा भी होता है, उनकी डोरी, जगन्नाथ की डोरी आपके हाथ, और फिर कहते हैं अब जहाँ भी मुझे ले जाना चाहोगे इस आपकी मर्जी, आई एम रेडी। अरे तो यहाँ इस गीत में तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के संबंध में कहा जा रहा है, एने ची औषधि माया नसी बरा लगी, हरि नाम महामंत्र लहो तुम्ही मागी। और कुछ दीक्षार्थ भी आप पहुंच चुके हैं, तो
वे इस बात को नोट कर सकते हैं, सभी को करना चाहिए, लेकिन उनके लिए स्पेशली उनके लिए। तो या चैतन्य महाप्रभु कह, मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। आप बीमार भी हो इस संसार में, भव रोग, भव रोगी हो या काम रोगी हो, रित रोगी हो, और मैं दवा लेके आया हूँ, एनेची औषधि, मैं औषधि लेके आया हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहे, कौन सी औषधि है? हरि नाम महामंत्र, हरि नाम महामंत्र लहो तुम्ही मांगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बस। क्या करने की आवश्यकता है? लहो तुम्हें मांगी, बस मुझसे मांग लो, मांग के तो देखो, मेरे पास औषधि है, मांग लो, मांग लो। जैसे दूसरे वैष्णव गीत में, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमार शक्ति आछे, आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बलि धाई तव पाछे पाछे। आपके पास कृष्ण है, या तो स्वयं कृष्ण ही कह रहे, मैं आया हूँ औषधि लेके, लेकिन ये औषधि फिर भगवान अपने भक्तों को भी देते हैं हम, ताकि वो भक्त क्या करें, उस औषधि का वितरण करें, डिस्ट्रीब्यूशन वे करें, या वे भी डॉक्टर बन सकते हैं। अरे अरे, तो फिर कहाँ है? आपके पास कृष्ण है, यू हैव कृष्ण, और उस कृष्ण को मुझे आप दे सकते हो, प्लीज मुझे कृष्ण को दीजिए, अभी तो कंगाल, मैं तो कंगाल, गरीब बेचारा मैं, कौन स्वीकार करेगा? कोई कहेगा, गरीब बेचारा मैं? अरे अरे, अगर कोई कह सकता है तो उसमें विनम्रता की आवश्यकता होगी। अरे तो अरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान आते हैं अलग अलग रूपों में, और उस परिस्थिति में जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार अलग 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 रूप भी धारण करते हुए भगवान प्रकट होते हैं। और इसके पीछे उद्देश्य तो यहाँ के हम जैसे बद्ध जीवों को जगाना, जीव जागो, यहाँ तो कहा है गोरा चांद बोले, गोरा चांद बुला रहे हैं, हे जीव जीव जागो, ये भी बात है। कौन जागो? जीव जागो, ऐसा हमारा शरीर तो जग जाता है प्रातः काल में,
लेकिन शरीर जग गया, आंखें खुल गई, तो हम नहीं कह सकते कि जीव जग गया, जीव जग गया, सोल हैज ओपन अप। जीव तो बस सोया रहता है अंधकार में। तो जीव को जगाना है, और हम है भी तो हमारे आत्मा के कल्याण के लिए या उद्धार के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए भगवान आते हैं। शरीर हरी हरी बस मिट्टी है, तो हम जीवों को जगा कर फिर हम जब जग जाते हैं तो उसी के फिर धीरे धीरे कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित होते हैं, या फिर उसकी मुझे याद आ रही है, श्री कृष्ण कहे जन्म कर्म क्षमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति। हे अर्जुन, तो ये उत्सव अब तो नरसिंह चतुर्दशी महोत्सव के हम लोग मना रहे हैं, तो कल ही बस 24 घंटे, व्हाट इज द टाइम, इट्स अ लिटिल लेट, भगवान less than 40 hours में जन्म लेने वाले हैं। और हम उत्सव मना रहे हैं, मतलब क्या, हम लोग भगवान के जन्म, भगवान का जन्म लेकिन जन्म होगा तो फिर मृत्यु भी होनी चाहिए, ऐसा सिद्धांत तो है, लेकिन ये भगवान को नहीं लागू होता, इसलिए भगवान को वैसे अजन्मा कहा है। नरसिंह भगवान कैसे है, अजन्मा मतलब जन्म नहीं लेते, जन्म होता है तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उसको जन्म कहते हैं, किसी माँ के गर्भ से जन्म लेना फिर जन्म होता है, वो जन्म कहलाता है। लेकिन नरसिंह भगवान तो कहाँ से प्रकट हुए, कहाँ प्रकट हुए, स्तंभ से प्रकट हुए। कहाँ है तुम्हारा भगवान, मेरा भगवान, मेरे भगवान तो सर्वत्र है, क्या इस खंभे में है, वाई नॉट, क्यों नहीं, तुम्हारा भगवान मेरे खंभे में रहता है, किराए भी नहीं देता, उसको पीटता हूँ या बाहर निकाल के, ऐसा तो फिर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने सिद्ध किया कि वैसे वे अजन्मा है। तो इसीलिए तो भगवान का जन्म तो जन्म है भी नहीं,
वैसे प्राकट्य है, भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। क्योंकि इस संसार में हम जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के उपरांत जैसे हम होते हैं तो उसके पहले हम और ही कुछ थे। हरिहरी और राजा कम हिरण बन गए तो उसके पहले कौन थे? जड़। हाँ क्या आप जानते हो तो हुआ तो हम पहले और कुछ होते हैं, जन्म लेते हैं तो फिर और कुछ बन जाते हैं। लेकिन नरसिंह भगवान उसको अगर जन्म कहना भी है तो उस जन्म के पहले कौन थे, कैसे थे? वैसे वे जैसे होते हैं वैसे ही, पहले जैसे होते वैसे ही वो प्रकट होते हैं, वैसे ही प्रकट होते हैं। हर अवतार की बात यही है, हर अवतार की कहानी ऐसी ही है। वैसे अवतार लेना मतलब अव मतलब नीचे, टू डिसेंड, टू कम डाउन। जैसे कोई दसवें मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति नीचे उतर आया और आप उनसे मिले, यू आर डूइंग शेक हैंड इत्यादि, तो आप जैसे देख रहे हो वैसा ही तो ऊपर भी था, अभी आपके सामने आपको मिला। तो भगवान वैसे ही होते हैं, अलग अलग वैकुंठ है, वैकुंठ हर अवतार का एक एक वैकुंठ है, या हरिधाम जिसको कहा है। हरी हरी। तो उन वैकुंठों से, अपने अपने वैकुंठों से भगवान या धरातल पर इस संसार में, इस ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं, वो प्राकट्य ही अवतार। तो श्री कृष्ण कहे भगवद गीता के चौथे अध्याय में, जन्म कर्म च मयि दिव्यम्, मैं मतलब मेरे जन्म और कर्म, और भगवान के कर्म को हम कर्म नहीं कहते, क्या कहते हैं? लीला कहते हैं। तो जो जानेगा मेरे जन्म को और मेरे लीलाओं को तत्वतः, तो फिर क्या होगा? इस श्रुति फल भी कहते हैं, श्रुति फल, ऐसा ऐसे श्रवण का, फिर ऐसे अध्ययन का भी कहो, और श्रवण कीर्तन किया तो फिर स्मरण होता है, और फिर चिंतन करते हैं और ध्यान होता है, तो फल क्या है? त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति। आपको पुनः जन्म लेना नहीं पड़ेगा। परिभाव उधर, गुड न्यूज। तो फिर क्या होगा? मामेति पुनर्जन्म न एति माम एति, क्या एति एति दो बार कहा, एति मामेति, वो व्यक्ति एति, जैसे ई ई नाम का धातु है, ई अक्षर ई, ई मतलब जाना, टू गो आना या जाना, ई, तो ई से एति होता है, एति। तो ऐसा व्यक्ति जो क्या करेगा, मेरे जन्म
नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान का जन्म और उनकी लीलाओं को भली भांति, जो भली भांति को यहाँ तो कृष्ण तो कहे तत्वतः, यह सिद्धांत के दृष्टि से या साइंटिफिकली कहो, जो जानता है तो वह त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नहीं थी, पुनः जन्म नहीं होगा, फिर क्या होगा, तो माम एति पुनर्जन्म न एति, पुनर्जन्म की ओर नहीं जाएगा, पुनर्जन्म न एति उसका पुनः जन्म नहीं होगा, तो क्या होगा, कुछ तो होना तो चाहिए, माम एति मेरी ओर आएगा। हरि हरि, मृत्योर मृत्युम नमाम्यहम्, नरसिंह भगवान की उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर मृत्युम नमाम्यहम्, ऐसी प्रार्थना है, अहम नमामि नरसिंहम, नरसिंह भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे नरसिंह भगवान को, और भी कई सारी बातें कही, ऐसे नरसिंह भगवान उग्रम 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 भगवान का या एक रूप स्वरूप या दर्शन कैसा है, उग्रम उग्रम वीरम, और वैसे भक्तों के लिए वे सौम्य बन जाते हैं, उग्र नृसिंह और कैसे नृसिंह, सौम्य नृसिंह। शेर या जब या किसी किसी पशु या अधिकतर पशुओं के लिए शेर तो भयानक खतरनाक होता है, लेकिन सभी डर जाते हैं उसकी उग्रता के कारण, लेकिन उस शेर या शेरनी के जो बच्चे होते हैं उनको कभी डर होता है क्या, दे आर रिलैक्स्ड, शेर शेरनी के बगल में पड़े रहते हैं या उसके गोद में या उनके पीठ पर चढ़ते होंगे आराम के साथ। तो एक ही शेर तो एक ही है, लेकिन कुछ के लिए वो भयानक है, उग्र स्वरूप, तो औरों के लिए सौम्य। तो नरसिंह भगवान भक्तों के लिए सौम्य है, और तो मैं नमस्कार करता हूँ, तो मृत्यु नरसिंह भगवान मृत्यु के मृत्यु बन जाते हैं, मृत्यु को मारते हैं, उसकी जान लेते हैं, हमारी मृत्यु की जान लेंगे नरसिंह भगवान, ये अच्छी बात है कि नहीं, और आप समझ भी रहे हो क्या हो रहा है यहाँ। तो हमारे एक बार तो मर जाएंगे क्योंकि हमने जन्म लिया है, तो जातस्य हि ध्रुव मृत्यु, जन्म लिया तो एक बार तो मरना होगा, अरे अरे, लेकिन लेकिन हम नहीं मरेंगे ये भी समझना होगा, फिर गीता पढ़ के या समझ के, मरता तो कौन है, शरीर मरता है, अ
अगर वो जीवित जीवित होता तो शरीर मरता, लेकिन शरीर क्या जीवित भी होता है? द बॉडी इज ऑलवेज डेड, बॉडी इज ऑलवेज डेड। वो जीवित शरीर जीवित सा लगता है, जब तक जी होता है शरीर में तब तक शरीर जीवित सा लगता है, लेकिन वो जीवित नहीं होता। ये शरीर इज ऑलवेज डेड, क्योंकि शरीर बना है पृथ्वी आप तेज वायु आकाश भूमि अप नल वायु खम, और ये परा प्रकृति है ना, परा प्रकृति ये क्या कहा भिन्न प्रकृति अष्टधा। तो ये जड़ है, शरीर जड़ है, तो चेतन सा लगता है लेकिन वो चेतन नहीं होता। अरे अरे तो द बॉडी इज ऑलवेज डेड एंड आत्मा इज ऑलवेज लिविंग, लिविंग जीवित चेतना से पूर्ण। अरे अरे तो हुआ तो भगवान प्रकट होते हैं और कई सारी लीलाएं खेलते हैं। और फिर ये भगवान के जन्म की कथाएं और उनकी लीलाओं का फिर संकलन होता है, उसको लिखा जाता है, लिखा हुआ है। ये भगवान की कृपा है ताकि भविष्य में हम जैसे बद्ध जीव क्या करे, उसको पढ़े सुने समझे, तत्वतः समझे, और ऐसा होगा तो फिर पुनर्जन्म नहीं थी माम ही थी। तो चंद्र सिंह भगवान की नरसिंह जयंती कहो या नरसिंह चतुर्दशी कहो, चतुर्दशी नरसिंह चतुर्दशी क्यों कहते हैं? नरसिंह चतुर्दशी या रामनवमी क्यों कहते हैं? रामनवमी क्यों कहते हैं? कृष्ण अष्टमी क्यों कहते हैं? या अष्टमी को श्री कृष्ण, नवमी को या श्री राम। वैसे सीता नवमी भी है, वैसे कई बार पहली बार हम सुने, मैंने पहली बार सुना जब रामनवमी, रामनवमी तो पता होता है, लेकिन सीता नवमी भी है और कृष्णाष्टमी, कृष्णाष्टमी सुनते, लेकिन राधाष्टमी भी है। तो कल है चतुर्दशी, तो इसको चतुर्दशी या नरसिंह चतुर्दशी क्यों कहते होंगे? अब तक आप समझे होंगे, चतुर्दशी के दिन भगवान प्रकट हुए। कब की बात है? लाखों वर्ष पूर्व की बात है। तब से ये संसार है, तब से क्या, तब से उसके बहुत समय पहले से ये संसार है। तो सत्ययुग में चतुर्दशी के दिन नरसिंह भगवान प्रकट हुए। अहो बलम, ऐसा आंध्र प्रदेश में एक अहो बलम तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थ अहो बलम। आप गए हो? अब में से कोई गया? 1 2 3 4 अहो बलम,
न जाने क्यों आंध्र प्रदेश में नरसिंह भगवान के प्राचीन मंदिर, 9 फेमस टेंपल्स ऑफ नरसिम्हा, सारे आपको आंध्र प्रदेश में मिलेंगे, इंक्लूडिंग ये जीहद नरसिंह क्षेत्र जो विशाखापट्टन के पास है। तो वह तो अहोबलम एक पहाड़ के ऊपर, ये अहोबलम, और वो स्तंभ आज भी है, वो खंभा आज भी है, जिस खंभे में से भगवान गर्जना करते हुए प्रकट हुए। चतुर्दशी के दिन समय कौन सा था? What time of the day or night? हाँ, रात को जन्मे थे कि दिन में? हाँ, ओके। मैं मरना नहीं चाहता हूँ, कब मरना नहीं चाहता, दिन में नहीं मरूँगा, ऐसा ऐसा वचन दो, ऐसा वरदान दो। ओ हिरण्यकश्यपु, बेचारा बेचारा हिरण्यकश्यपु, द पुअर हिरण्यकश्यपु, अमर बनना चाहता था, अमर बनना चाहता था, ऐसा वरदान दो। इसीलिए इसीलिए उसने तपस्या की ताकि अमर बनना चाहता हूँ। तो फिर वो तपस्या, तपस्वी तो था लेकिन ये असुरी प्रवृत्ति, ये असुरों की तपस्या, तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या नहीं थी। कृष्ण तो कहते हैं यद करोसि यद जिहोसि यद दधासि तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुस्व मदर्पणम्। सब कुछ मेरे लिए करो या मेरे प्रसन्नता के लिए करो या मुझे आहुति चढ़ाओ, समर्पित करो, इंक्लूडिंग तपस्या, तपस्या भी करनी है तो मेरे प्रसन्नता के लिए करो। लेकिन ये हिरण्यकश्यपु वैसे नहीं कर रहा था, उसका उद्देश्य और ही कुछ था, अमर बनने का। तो वह ब्रह्मा कहते अमर मैं तुमको वरदान दूं, कैसे संभव है, मैं स्वयं ही अमर नहीं हूं। वैसे ब्रह्मा की आयु तो काफ़ी लंबी तो है, बहुत और जीते ही रहते हैं, लेकिन अमर तो नहीं है। ब्रह्मा को भी एक दिन मरना होगा, उसने जन्म लिया है। जातस्य हि क्या ध्रुवम मृत्यु, जन्म लिया है मृत्यु होगा, शुरुआत हुई है तो अंत होगा। यही बात है, फिर हम इस संसार में जो अलग अलग धर्म है ना, अलग अलग धर्म है, ये फलाना धर्म वो धर्म वो धर्म, कोई 2500 वर्ष पुराना धर्म, एक 2000 वर्ष पुराना है, एक 1400 वर्ष पुराना है, एक 500 वर्ष पुराना है। तो वह मतलब उनकी शुरुआत है, इस धर्म की अब शुरुआत, तब शुरुआत। तो फिर आप क्या कहोगे, जिस धर्म की शुरुआत हुई है उस धर्म का क्या होगा? अंत होगा। तुमको कैसे पता?
छोटा बच्चा का अंत होगा। हाँ बता सकते हैं, सिद्धांत है, दिस इज द लॉ, ऐसा रूल है, शुरुआत हुई अंत होगा, हर चीज है, किसी भी चीज का, किसी भी बात का। लेकिन फिर एक धर्म का, एक धर्म है, वैसे एक ही धर्म है, वैसे अनेक धर्म है नहीं, हो ही नहीं सकते। धर्म होना चाहिए सनातन, जो सनातन है वही धर्म है। सनातन मतलब शाश्वत, जो शाश्वत नहीं वो धर्म नहीं है। धर्म होना चाहिए शाश्वत, इटर्नल। तो धर्म को अगर नाम दे सकते हैं तो सनातन धर्म नाम दे सकते हैं, क्योंकि जीव भी वैसे सनातन है, जीव भी शाश्वत है और उसका धर्म भी शाश्वत है। ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव भगवान का अंश है और सनातन सदा के लिए अंश ही रहेगा, वो अंशी भी नहीं बनेगा, ये भी समझना चाहिए। भगवान नहीं बने, आज अंश है, आज जीव है, आज आत्मा है, धीरे धीरे परमात्मा बनेगा, आज स्वामी है, आज स्वामी है, फिर धीरे धीरे स्वामी नारायण हो गया, स्वामी का हो गया नारायण, स्वामी नारायण, ऐसा होता नहीं, संभव नहीं। तुम जो है वही रहोगे, जस्ट यू हैव टू रियलाइज तुम कौन हो, इसका अनुभव करो, साक्षात्कार। तो हुआ तो ये बेचारा हिरण्यकश्यप अमर बनना चाहता था, तो उसने तपस्या की, ऐसी कठोर तपस्या, कुछ पूछो नहीं कैसी कितनी तपस्या की। फिर ब्रह्मा प्रकट हुए, ये निवेदन करने के लिए कि बस 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 हो गया, तुम्हारे कारण संसार परेशान हो रहा है, तुम्हारे तपस्या और तुम फिर तुम में तुम्हारे प्रभाव के कारण कुछ संसार भर में कई सारे विघ्न उत्पन्न हो रहे। स्टॉप इट, स्टॉप इट, नहीं नहीं मुझे अमर बना दो, मैंने हरी हरी अमर बना दो, कीर्तन कब करेंगे, अमर बना दो। तो वैसे कीर्तन करेंगे तो अमर बनेंगे। तो उसने सारी सूची प्रस्तुत की थी हिरण्यकश्यप ने, मैं स्वयं ही, ओके मैं स्वयं ही अमर नहीं तो मैं कैसे बना सकता हूँ, ठीक है तो ऐसा तो करो, कम से कम ऐसा तो करो, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना। और कितना क्या करूँ, तो फिर उसने कहा दिन में भी नहीं, रात में भी नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, इस हथियार से नहीं, उस हथियार से नहीं, मनुष्य से नहीं, पशु से नहीं। अब ब्रह्मा से तथास्तु तथास्तु तथा तथास्तु तथास्तु, वैसे ही हो, वैसे ही हो, ऐसा कहते गए जान छुड़ाने के लिए। बेचारे ब्रह्मा भी क्या कर सकते थे, ओके ओके ऑल राइट, ओके ऑल राइट, ओके बाबा वैसा ही हो, वैसा ही हो। तो हुआ तो फिर हिरण्यकश्यप ने सोचा होगा, देखो देखो अमर बनने का मैंने वरदान मांगा था और वरदान नहीं दे रहे थे, लेकिन ये सारे छोटे मोटे वरदान तो दे ही दिए ना, ऐसे मरूंगा नहीं, वैसे मरूंगा नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, तो हो गया मैं अमर हो गया।
दिन में नहीं, एक एक रात होती है, दूसरा क्या होता है दिन होता है, तीसरे तीसरी चीज होती ही नहीं, ऐसा सोचा उसने। तो अमर हो गया मैं, अंदर भी नहीं और बाहर, ये दो ही होता है ना, द्वंद होता है, एक अंदर होता है एक बाहर होता है, अंदर भी नहीं मरूंगा बाहर भी नहीं मरूंगा, जमीन पर भी नहीं आकाश में भी नहीं। तो हिरण्यकश्यपु ने तो सोचा होगा कि मैंने ठगा लिया, ब्रह्मा को ठगाया, लेकिन फिर भगवान महाठग बन के आए, ऐसा ठगाया, ए मुझे मनुष्य भी नहीं मार सकता ओके, पशु भी मार नहीं सकता ओके, तो भगवान कैसे बने, आधा आधा नर और आधा पशु बने, वो तो लिस्ट में नहीं था, और लाइक दैट। हरी हरी, हरी। तो फिर भगवान प्रकट हुए ही, उसे भगवान की उग्रम वीरम, तब कर कमल वरी नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कश्यपु तनु भृंगम केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।